आवाज आ रही सभी को? मेरी आवाज खुली है? अच्छा, सिस्टम की आवाज नहीं खुली मेरी शायद। ओके, ठीक है, आवाज आ रही होगी। सौरभ हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, तो टॉपिक आज का हम देखेंगे, आज सबसे पहला टॉपिक करेंगे खेलो इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, खेलो इंडिया प्रोग्राम है वो अभी शुरू हुआ है। श्री ये क्या है खेलो इंडिया प्रोग्राम, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम, खेलो इंडिया प्रोग्राम, देखो हम लोगों हमने आपकी चैट बंद की है, इसलिए चैट बंद हुई है, शायद साउंड तो बंद नहीं होनी चाहिए। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो उसको हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले तो ये पूछेगा ये प्रोग्राम कौन करवाता है, तो इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। और ये बहुत सारे कल्चर हैं और जो ऐसे कल्चर हैं, सॉरी ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कल्चर से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हेल्ड कराया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये जनवरी एंड फरवरी, है ना। तो किस महीने में होता है? जनवरी में होता है और ये फरवरी में होता है। ठीक है, जनवरी फरवरी मंथ होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो कल्चरल स्पोर्ट्स हैं, कल्चरल का मतलब है ऐसे स्पोर्ट जो हमारे ट्रेडिशन में शामिल थे, ऐसा नहीं जैसे बास्केटबॉल या स्विमिंग या और गेम्स, टेनिस वगैरह, ऐसे गेम्स की बात नहीं होती इसमें। खेलो इंडिया प्रोग्राम में जो कल्चरल गेम है या जो हमारे ट्रेडिशनल गेम है, उन्हीं गेम्स की बात हो रही है, होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ट्रेडिशनल गेम्स का मतलब है जो हम लोग शुरू से खेलते चले आ रहे हैं, उन गेम्स की बात होती है इसमें। ठीक, तो ट्रेडिशनल गेम्स है इसमें। और जब भी हम ट्रेडिशनल गेम्स की बात करते हैं तो वो गेम जो हमने इंडियन सिविलाइजेशन में देखे हैं, वो गेम जो हमने एंशियंट पीरियड में देखे हैं, वो गेम जो हमने एंशियंट में, मिडिवल में, मॉडर्न में, और हम लोग जो बचपन से खेलते रहे हैं, उन गेम्स की बात करते हैं, ट्रेडिशनल और कल्चरल गेम्स। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और इस बार ये हो रहा है, इसका जो मेन पर्पस होता है स्ट्रॉन्ग फेल, जो इसका जो मेन एम है टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर ऑल स्पोर्ट, सो सभी स्पोर्ट्स के, तो इसका जो एम लिख लीजिए क्या इसका एम होता है, एम है टू बिल्ड ऑल
इंडियन स्पोर्ट सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, ऐसा कुछ लिखा है, लेकिन इसमें भी कुछ नई बात है। नई बात ये है कि ये जो गेम है वो किसके लिए है, इंडियन स्पोर्ट के सपोर्ट के लिए, यानी जो भारतीय गेम है उनके सपोर्ट। सबसे पहले हमें ये समझना है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किस मंथ में, तो मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। उसके बाद ये किसके लिए बढ़ावा देते हैं, ट्रेडिशनल गेम्स के लिए। ट्रेडिशनल गेम्स वो है जो हम लोग बचपन में खेलते रहे हैं। और एम्स, ये एम इसका ये भी है, इंडियन गेम्स को बढ़ावा देना है, इंडियन गेम्स को बढ़ावा देना है। और ये गेम किस किस के बीच में खेले जाते हैं, और इस गेम्स में ये गेम स्कूल लेवल पर है ना, स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पर होते हैं। कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल मतलब इसमें 17 साल से लेकर 21 साल तक के बच्चे शामिल किए जाते हैं, है ना, 17 साल से लेकर 21 साल तक के बच्चे शामिल किए जाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं कि खेलो इंडिया गेम्स किसके द्वारा, या बीसीसीआई, आईसीसीआई, या ऐसा कुछ इसमें ऑप्शन हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, यानी जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा हेल्ड किए जाते हैं, और मंथ पूछ सकता है, और पूछ सकता है कौन से गेम है, है ना, तो कौन से गेम है, तो ट्रेडिशनल गेम है, और स्कूल लेवल पर होते हैं, कॉलेज लेवल पर। इन्हें 17 साल के बच्चे और 21 साल के बच्चों को इसमें लिया जाता है, ठीक है। तो ये है, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इस बार जो गेम शामिल किए गए हैं उनकी बात करेंगे हम, ठीक है। मुझे लग रहा है कि चैट के साथ साथ साउंड भी बंद हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, तभी नहीं हो रहा है बस। चलिए हम एक बार खोल के देखते हैं चैट को। जब से खुल गया माइक। अच्छा, सौरभ कोई मैसेज करना, मुझे चैट करना कुछ। चैट डिसेबल है। अच्छा, किसी और को करना, अपने ग्रुप में किसी को और को सर, किसी को नहीं होगी चैट। बस यही करना चाह रहे थे, ठीक है, कि कल प्रॉब्लम हुई थी इसी वजह से तो चैट नहीं हो पा रही है, ठीक है, ये सही है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो बोलेगा वो बोल के बात करेगा, तो ये ठीक है। गुड आफ्टरनून। तो इसलिए वो सारा गड़बड़ हुआ था, मैं चैट बंद कर रहा था तो आवाज ही बंद हो गई, लेकिन अब ठीक है, चैट नहीं होगी, ये सही है। तो इसको समझना है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम से रिलेटेड चीजें जो बन सकती हैं वो यहाँ से बन सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या स्पोर्ट मिनिस्ट्री से बन सकता है। दूसरा, जैसे जो हमारे क्रिकेट है बीसीसीआई कराता है ना, और आईपीएल है वो अलग बॉडी कराता है, तो और मंथ पूछ सकता है, ये मेन इम्पोर्टेंट है ना। पूछेगा फोकस क्रिकेट पे, कभी खेलो इंडिया में क्रिकेट को नहीं खिलाया जाता, ये बात ध्यान रखना। जैसे कबड्डी है, जूडो है ना, या जंपिंग है, हाई लॉन्ग, ये सब ये गेम्स इसमें कराए जाते हैं। उसके बाद इस पूछ सकता है कि ये इसमें जो क्राइटेरिया है, किसी एज के पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी एज के पार्टिसिपेंट नहीं कर सकते, ये केवल स्कूल लेवल पे होता है, कॉलेज लेवल पर होता है। अब इसमें कुछ बातें हम समझ लेते हैं, इसमें कौन कौन से गेम इस बार शामिल किए गए हैं, जो हाईलाइट है। क्वेश्चन एक बार 2017 में बना था, तो क्वेश्चन ये था, जैसे गतका शायद आपको याद होगा, ठीक है, एक था इसमें गतका, जो गतका है, हाँ वो
एक बार बना था कि क्या है, यूपीएससी का पूछा वो क्वेश्चन था, ठीक है, गद का, और जो फोकस किया उसके बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद है इसमें कालारी पायुत्ती, नाम बड़ा ऐसा है फिर भी देखेंगे। अच्छा, कलारी पट्टू है सर वो, कलारी पट्टू, हाँ, केरल का है जो। और कौन सा है, कुछ याद है? कलारी पट्टू, हाँ, पी वाई है इसमें, हाँ ठीक है। और उसके बाद कौन सा गेम्स है, कुछ गेम्स के नाम आपको याद होने चाहिए जो साउंड किए। एक है इसमें थांग टा, एकदम क्वेश्चन पूछ सकता है ये थांग टा। दूसरा तमिल नुक्ता नहीं, मणिपुर का मणि, हाँ, एक मगा थांग टा सर। एक है इसमें है मलक खंबा, ये पंजाब का है सर, मलक खंबा ऐसा नाम पंजाब में सुना है, ठीक है, मलक खंबा। तो ये कुछ गेम्स है, महाराष्ट्र, हाँ एक बार देख लेते हैं, कोई नहीं। तो बेसिकली जो चीजें थी वो, एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है खेलो इंडिया है क्या, और उसके बाद और ये एनुअली एक भी कर, ये भी हो सकता है कि ये एनुअली मनाया जाता है, और ये कह सकते हैं ग्रास रूट गेम्स है। ग्रास रूट का मतलब है ये छोटे लेवल पर गेम्स है, और ये 70 अंडर 70 ईयर स्कूल लेवल एंड अंडर 21 ईयर कॉलेज लेवल पर होता है। और इसमें जो हर 100 बच्चों को, जैसे जो बेस्ट 100 स्टूडेंट्स होते हैं, इनको स्कॉलरशिप दी जाती है, कितनी, 50,000। तो एक तो ये हम समझ लेना है कि खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है वो एनुअली मनाया जाता है, ठीक है, ये एनुअली है ना, एनुअली है, यानी हर साल ये मनाया जाता है, और जनवरी से फरवरी के बीच में मनाया जाता है। और इसमें जो लोग बच्चे हैं वो 70 इयर्स से अंडर के और 21 ईयर के अंडर के लेवल होते हैं, और ये ग्रास रूट है ना, ये ग्रास रूट गेम्स हैं, ग्रास रूट गेम्स हैं। टॉप 100 स्टूडेंट गेट स्कॉलरशिप, है ना, ये इनको स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप कितनी होती है, 50,000, ठीक है। तो 50,000 स्कॉलरशिप दी जाती है जो बच्चे टॉप 100 में आते हैं, तो टॉप 100 में आते हैं उनको 50,000 स्कॉलरशिप दी जाती है, यानी उनको पैसा फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है। और कुछ कुछ वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रास रूट गेम्स है ना, तो ग्रास रूट का मतलब ये बहुत ही एक छोटे स्टार्टिंग से होते हैं। और अब सीधे हम समझ लेते हैं कि थांग टा क्या है, आर्ट ऑफ क्या है ये थांग टा, पहले थांग टा मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट, कहाँ की है ये, पंजाब, पंजाब है सर, गटका, थांग नहीं, गटका पंजाब है ना, गटका नहीं, हम चलिए गटका दे देते हैं, स्टार्टिंग से कर देते हैं, चलिए देखिए पहले, हाँ जो गटका है वो तो पंजाब से है, तो गटका है ये एक्चुअली जो हम लोगों ने खासकर कई मूवी में देखा है, गटका इज ए एंशियंट फाइटिंग टेक्निक ऑफ पंजाब। तो क्या है कि गटका जो है ये एंशियंट, ये भी ध्यान रखना है, एंशियंट है ना, एंशियंट फाइटिंग टेक्निक, फाइटिंग टेक्निक ऑफ पंजाब, तो फाइटिंग टेक्निक है पंजाब की, तो फाइटिंग टेक्निक ऑफ पंजाब, और एसोसिएटेड विद द सिख कम्युनिटी या सिख हिस्ट्री, तो ये सिख हिस्ट्री से रिलेटेड है ये, सॉरी, हाँ सिख हिस्ट्री से रिलेटेड है। और इसमें तो सिख शस्त्र की बात होती है, मोस्टली यही पूछेगा कि ये कहाँ किस एरिया में है, तो ये भी उसको शामिल, इसको भी शामिल किया गया है। और दैट वाज डेवलप्ड इन 19th सेंचुरी,
अभी जो डेवलप हुई है वो पहले तो स्टार्टिंग से थी, लेकिन ये 19 सेंचुरी में डेवलप हुई है जब सिक्किम की शुरुआत हुई है। तो एक चीज हम समझने का यहाँ पे है कि एंशियंट फाइटिंग टेक्निक ऑफ पंजाब, हमने ये नहीं कहा एंशियंट फाइटिंग ऑफ सिक्किम, यहां समझना इस चीज को। ज्योग्राफी कैन नॉट चेंज, हिस्ट्री में चेंज। तो जो फाइटिंग है गत का वो सिक्किम के पहले भी थी, मेरी बात ध्यान समझिएगा, कभी ये गलती से मत लिख लीजिएगा, दैट इज एंशियंट फाइटिंग टेक्निक ऑफ सिक्किम, क्योंकि सिक्किम एंशियंट में था ही नहीं। अरे भाई गुरु नानक आए तभी ना सिक्किम आया है, हिस्ट्री में भी क्रिएटेड, वो ज्योग्राफी नहीं क्रिएट हो सकती है। तो दैट वाज फाइटिंग टेक्निक ऑफ पंजाब, जो हमने पंजाब लिखा सिख हिस्ट्री से रिलेट करता है। और स्टार्टेड ये मॉडर्न टाइम में कब हुआ, ये प्रेजेंट में मॉडर्नाइजेशन कब हुआ इसका, ये 19th सेंचुरी, ठीक है, इसका जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है या जो यूज हुआ है वो 19th सेंचुरी हुआ है, सेंचुरी हुआ है। कभी हम लोग कहें कि आज अगर जैसे हम लोग आज की बात में कहें, देखो जो प्राणायाम है ना, योगा है, दैट इज स्टार्टेड बाय श्री बाबा रामदेव, ऐसा तो नहीं है, है ना। ये जो बाबा रामदेव द्वारा किया गया है ये हमारे उपनिषदों में है, ये हमारे वेदों में है, ये हमारे आरण्यक में है, ये हमारे महावीर में शामिल है, जैन में शामिल, बुद्ध में शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि योगा स्टार्टेड इन 20th सेंचुरी बाय द बाबा रामदेव, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ इनको इन्होंने काम किया है, बस सही है, ठीक है। तो इस तरह से है तो पंजाब, तो इसका जो बेसिक टेक्निक है, बेसिक टेक्निक इसका क्या है इसको समझा देते हैं एक बार। दैट इज बेसिक टेक्निक ऑन, बहुत अच्छा टेक्निक है ये, लेकिन आजकल पंजाबी मान ले रहे हैं इसको। बेसिक टेक्निक ये है इसका, इसका फाइटिंग का, कि शायद ये बन सकता है कभी स्टॉप एंड अटैक, है ना, स्टॉप एंड अटैक, है ना, ये है। पहले मतलब इसमें उन्होंने टेक्निक ये है कि रुक जाओ पर अचानक से बार करो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट है वो फार्मर्स के द्वारा ज्यादा है और फार्मर बेसिकली पंजाब से, तो ये बात है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, गतका में चीजें पूछेगा, गतका है क्या, एंशियंट फाइटिंग टेक्निक है इन पंजाब रीजन, और इसका बेसिक टेक्निक क्या है, स्टॉप एंड अटैक। नेक्स्ट हम बात करते हैं गतका के बाद, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, शायद 2013 में था जहां तक मुझे याद आ रहा है, उस साल हमने भी पेपर दिया था। तो गतका हमें ये लग रहा था कि शायद गतका कोई इतना समझ में आ रहा था कि पंजाबियों का है, तो उस समय क्वेश्चन गलत हो गया था, 13 का था क्वेश्चन, तो उसमें मैंने लगाया था, लोग ज्यादातर लोगों ने लगाया था ज्वेलरी ऑफ सिक्किम, कि सिख, क्योंकि सिख क्या है कि कई चीजें पहनते हैं, है ना, पंच करके हुआ है, तो मुझे शायद कुछ पहनने का कड़ा उड़ा होगा हाथ में पहनने का, इसलिए गलत हुआ था क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट देखते हैं मलाखंब, ये क्या है मलाखंब, मलाखंब बता सकते हैं सर, एमपी मध्य प्रदेश का मलाखंब है उसको बोलते हैं ना सर, है क्या ये मलाखंब, एमपी का तो है बट ये है क्या, ये भी तो पता चले। ठीक है, देखिए समझिए इसको, मलाखंब इज ए एंशियंट ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट। इसमें क्या होता है, इसमें
जो एक मतलब किसी पोल पे चढ़ने का स्पोर्ट है, ठीक है, पोल पे चढ़ने का। तो सबसे बड़ी बात है दैट इज एंशिएंट ट्रेडिशनल स्पोर्ट, ठीक है, एंशिएंट ओरिजिन 12th सेंचुरी है ना, ओरिजिन वाज 12th सेंचुरी है ना। तो और ये स्पेशली कहाँ शुरू किया गया था, देखो हम लोग जब भी हम बात करते हैं ना, अभी सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे, बट नाउ दैट इज इन एमपी, एमपी में शुरू किया। देखो अब उस 12th सेंचुरी में तो ये नहीं था ना, एमपी 12th सेंचुरी में नहीं था। तो इसमें क्या है कि दिस इज ए वर्टिकल वुडन पोल एंड फिक्स्ड इन द ग्राउंड। तो ये क्या होता है, जो मलखंभ है, जो माला खंभ है, वो एक तरह से वुडन पिलर होता है, लकड़ी का खंभा होता है, और उस पे चढ़ने की एक ये स्पोर्ट है। तो ये है, तो शायद इसको एक दूसरे तरीके से दिखाया गया है, कई साउथ इंडिया की मूवी में दिखाया गया है उस तरीके से। एक उसमें एक है मूवी साउथ इंडिया की रुद्रमा देवी, उसमें भी है, लेकिन वो स्टोन पत्थर का है, उस पत्थर चढ़ने की। तो कई ऐसे गेम्स होते हैं। नेक्स्ट है इसमें थांगटा, ये क्लियर है, मालाखंबा इज एंशिएंट ट्रेडिशनल स्पोर्ट ओरिजिन 12th सेंचुरी इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया इसलिए कहना है क्योंकि इन 12th सेंचुरी देयर वाज नो एनी नेम एज पर्टिकुलर मध्य प्रदेश, ऐसा कुछ नाम नहीं था उस समय, उसके बाद इसमें ही डिक्लेयर हुआ है, इसलिए हमें इसको बोलना पड़ता है सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते थांगटा, यस सर, युद्ध नृत्य है ये, युद्ध नृत्य मतलब नाचते नाचते लड़ा जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है नाचते नाचते नहीं सर, कुछ कुछ कलाएं जो युद्ध करते हुए रहते हैं ना, वो दिखाई जाती हैं उसमें। युद्ध करेगा ये तो एंजॉय करेगा या मारेगा, गाते गाते मारता है कोई, ऐसा थोड़ी। ठीक है, देखिए ये क्या है, जैसे मार्शल आर्ट ऑफ मणिपुर, ये क्या है, मार्शल आर्ट ऑफ मणिपुर है, और ये तरह से खासकर ये इसको प्रैक्टिस करती हैं फीमेल्स मार्शल आर्ट, ठीक है। तो ये एक तरह से फिजिकल कल्चर और ब्रीथिंग मेथड है, मेडिटेशन भी इसको कहते हैं। तो ये कई सारे रिचुअल्स पे किया जाता है इसको, थांगला, इसको लोकल भाषा में इसको सारती सार्थ भी कहते हैं। खैर ये क्या है, दैट इज मार्शल आर्ट इन मणिपुर, मार्शल आर्ट इन मणिपुर। ठीक है, ये मार्शल आर्ट है मणिपुर का है, और मोस्टली ये फीमेल्स के द्वारा मतलब प्रैक्टिस किया जाता है, फीमेल्स को द्वारा मोस्टली फीमेल्स के द्वारा होता है इसका प्रैक्टिस, ऐसा नहीं सिर्फ फीमेल करती है, ज्यादातर ये फीमेल्स के होता है। और ये किसी मार्शल आर्ट का जो प्रेजेंटेशन है वो किसी कल्चरल फेस्टिवल पे होता है। कल्चरल फेस्टिवल पे होता है, ठीक, किसी भी इसका जो प्रेजेंटेशन है वो कल्चरल फेस्टिवल पे होता है। उसके बाद है इसमें नेक्स्ट क्या था, यही था ना, एक और था, एक मलखम था, दूसरा और गटका था, तो ये कलारी पट्टू। हाँ कलारी पट्टू, ये क्या है सर, ये कुंफू जैसा है।
कहाँ मनाया जाता है, कुछ एरिया है? केरल में सर। केरला में, ठीक है। हाँ तो कलारी पर तो ये डांस इन केरला, तो केरला बस याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं है। और सबसे ज्यादा जो आने के चांस हैं वो ये हैं कि जो जो ये गेम गतका, गतका सबसे इम्पोर्टेंट ये आ सकता है, क्योंकि अभी जो पंजाब है वो न्यूज में, तो इसलिए इस वहां से क्वेश्चन हो सकता है ना। तो ये है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि एक बॉडी न्यूज में आई है, IGNCA, पुराना ही न्यूज है मगर ये पूछा जा सकता है, IGNCA, ये बता सकते हैं ये क्या है? INGCA, सौरभ का बहुत काफी कट रहा है। देखो INGCA क्या है, एक तरह से भारत सरकार की, हाँ, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, तो लिख लीजिए इसमें इंदिरा गांधी ना, नेशनल सेंटर फॉर आर्ट। अच्छा ये सेंटर है क्या? ये दिल्ली में है, ठीक है, ये दिल्ली में है, और ये दैट इज एस्टेब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और इसका जो मेन पर्पस क्या था उसको हम थोड़ा, अच्छा न्यूज में क्या पर इसी जान लेते हैं। देखिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट ने जो COVID-19 जो वॉरियर्स हैं या जो COVID-19 में जो काम कर रहे लोग, उन्होंने साइलेंट कोविड वॉरियर बोला था, और उनको आगे बहुत सारी गवर्नमेंट से फैसिलिटी देने के लिए कहा था। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब इंदिरा गांधी जो इंस्टीट्यूट है या जो सेंटर है, उसने बोला था कि जो COVID-19 में जो लोग काम कर रहे हैं वो एक तरह से साइलेंट बैरियर है, यानी शांति से लड़ने वाले योद्धा हैं, और इनको फ्यूचर में फैसिलिटी दी जानी चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट किया था इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो इसलिए ये न्यूज में आया था। तो सिंपल इसके देख लेते हैं कि इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके तो क्या क्या इसके उद्देश्य, उसको समझ लेते हैं। पहला इसके उद्देश्य है, देखिए, कंजर्व एंड पॉपुलराइज, कंजर्व एंड पॉपुलर, या किस क्यों पहले कंजर्व लिखिए, कंजर्व ऑफ इंडियन आर्ट, कंजर्व ऑफ इंडियन आर्ट स्पेशली, कंजर्व इंडियन आर्ट स्पेशली रिटिन, ऐसा मटेरियल जो रिटिन में है, ओरल, जो मतलब जैसे स्टोरीज है, ओरल एंड विजुअल सोर्स मटेरियल। ठीक है, विजुअल सोर्स मटेरियल, यानी ये भारतीय संस्कृति के ऐसे जो लिखित सामग्री है, जो कथा कहानियां हैं,
या जो दिखने वाली चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कल्चर में बहुत सारे, जैसे अमर अजंता केव्स हैं, एलोरा केव है, या जो भी न्यूज में चीजें हैं उसकी जो कल्चरल दिख रही हैं वो, उनका सबका कंजर्व करना। सेकंड देखिए इसमें, इनकरेज फॉर न्यू जनरेशन, इनकरेज फॉर न्यू जनरेशन टू प्रोटेक्ट एंड एंगेज, टू प्रोटेक्ट एंड एंगेज इन इंडियन कल्चरल एक्टिविटी। यानी ये भारतीय संस्कृति को जो न्यू जनरेशन है उनके लिए एंगेज करने की बात करते हैं और उन्हें उसमें उसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, टू एस्टेब्लिश ए ट्राइबल एंड फोक आर्ट कोर कलेक्शन ऑफ ट्राइबल कल्चरल हेरिटेज, ट्राइबल कल्चरल हेरिटेज। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो जनजातीय संस्कृति है उसको भी कंजर्व करने की ज्यादा ये फोकस करते हैं। तो ये कुछ कुछ बातें थी। क्वेश्चन देखो सिर्फ यहाँ क्या बनेगा, कभी आपको ये मत समझना कि ये कोई प्रदर्शन लगवाते हैं या कोई मार्केटिंग करते हैं। सिर्फ काम इनका ये है कि जो लोग, जो कल्चर है इंडिया में, जो रिटन फॉर्म में है या ओरल फॉर्म में है या फिर विजुअल फॉर्म में है, उसको कंजर्व करने की बात करते हैं। और स्पेशली फोकस उनका ट्राइबल कल्चर पे भी है, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि देयर इज ओनली सिंगल कम्युनिटी इन वर्ल्ड है ना वो कंजर्व वेरी स्ट्रॉन्गली कल्चर। कभी अगर आपको, जैसे अभी अगर आपको अपने बच्चों को कभी ये दिखाना हो कि भाई हल तो अक्सर नहीं चलते, बहुत कम है, मतलब जो हल से गेहूं बोए जाते थे, और गेहूं क्या कोई भी फसल हो और स्पेशली लकड़ी के हल से, अगर हमारे यहाँ, अगर नॉर्थ इंडिया में अगर अभी हल है भी तो वो लकड़ी के नहीं है, मतलब लोहा उसमें लगा होता है। जो ट्राइबल वो कल्चर जो हमारे यहाँ 18 सेंचुरी में था या 1950s में था, थोड़ा बहुत हमने भी देखा है उससे पहले का कल्चर, तो आपको सीधे सीधे ट्राइबल कम्युनिटी में जाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो कभी भी ये बात ध्यान रखना है, कभी आपसे क्वेश्चन बनता है ये मेंस में, अगर हमें अपने कल्चर को फ्यूचर के लिए बचाए रखना है तो किस एरिया पे फोकस करना है, तो वी हैव टू फोकस्ड ऑन ट्राइबल कम्युनिटी। आज आप जाइए तो बहुत सारे कम्युनिटी हैं जो कुएं से पानी पीते हैं, आज सारे बहुत सारे कम्युनिटी हैं जो अभी भी मतलब जो चीज वो चीज करते थे जो हम लोग 1870 सेंचुरी में करते हैं। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए आपने देखा होगा हिस्टोरियन अगर कभी भी इंडियन कल्चर को जानने की कोशिश करते हैं तो सीधे सीधे वो ट्राइबल कम्युनिटी में एंट्री करते हैं, है ना, आप लोग ना चले जाना। ठीक है, ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, और सर, हाँ बताइए सर, कल जो पढ़े थे अटॉर्नी जनरल उसमें आप उसका आर्टिकल बताए थे सर 143 करके, तो उसका आर्टिकल तो 76 आएगा ना, 143 में तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, बट प्रेसिडेंट जो है वो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति तो आर्टिकल 76 के तहत करते हैं। नहीं, जैसे
एडिटर जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में है? आवाज कट रही है आपकी। कोई भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको सही कर लेना। जहां तक मुझे याद था अटोर्नी, एक मिनट देख लेता हूँ, अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, कोई नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो देख कर सकते हैं उसको। आर्टिकल 147 है ना, ये बता, नहीं, 1 अब सर 143 बोले थे और उसमें ना 76 में है। अच्छा सर, 148 में कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल है सर, कैग बोलते हैं इसे, वो है उसमें। 143 में कुछ नहीं है? नहीं सर, पर सुप्रीम कोर्ट में परामर्श देने के लिए सर, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं, ठीक कर लेना। आवाज बहुत कट रही है। अभी दिक्कत हो रही क्या यहाँ पे नेटवर्क पे, क्या आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, ज्यादा नहीं हो रही है मगर? नहीं सर, नहीं है प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है। नो सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो कल चलिए कोई नहीं, देख लेना आप लोग। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो इंडिया में, हेलो, हेलो, यस सर। ओके, अच्छा कोई दिक्कत आ रही थी ना नेट, दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आज, ठीक है। देखिए ये जो टॉपिक है इसमें एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो एग्जाम में यूपीएससी के मेंस में बन सकता है और काफी इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा सा डिस्कस जरूर करेंगे। जैसे एक तो क्वेश्चन इसमें मिलाने को दे सकता है प्रीलिम्स में, कलर पट्टू क्या है, गटका कहाँ है, मिलना क्या है। दूसरा इसमें क्वेश्चन लिख लीजिए मेंस के पर्पज से, तो ये इससे क्वेश्चन राइज हो सकते हैं आपके एग्जाम में कि इंडियन कल्चर एंड डेवलपमेंट, भारतीय संस्कृति और विकास। देखो ये जो इसको आपको 150 वर्ड में लिखना है। दूसरा इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड द इनकम सोर्स, तो इस ये भी आपको 150 वर्ड में लिखना है, ठीक है। देखिए मैं आपको बात बताता हूं कि जो ये द हिंदू वाला क्लास है उसको फोकस आप यही रखिए कि ये मेंस और इंटरव्यू और जो ज्यादातर कॉन्सेप्ट बेस पे बना रहे, तो इसमें चीजें आरएसटीवी की भी होती हैं, इसमें टीवी, इसमें कुछ, इसमें मैटर आपको पीआईबी का भी मिलता है, इसमें मैटर डीडी न्यूज का भी मिलता है, और इसमें द हिंदू का 1 जनवरी से एडिटोरियल भी शामिल करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लास रहना, मेरी कोशिश ये है रहने देंगे हम, ताकि चाहे आपका महीना मार्च का हो चाहे अप्रैल का हो, लेवल हम यही रखेंगे। बाकी जो प्रीलिम्स है उसके अलग क्लास होगा। अगर चीजें हम यहाँ वो शुरू कर देंगे तो जब पूरा जो कॉन्सेप्ट है
देखो द हिंदू पढ़ने का पर्पस या यही होता है कि हम पूरे कॉन्सेप्ट को लेके चले कि प्रीलिम्स में क्या आ सकता है, मेंस में क्या हो सकता है, इंटरव्यू में क्या हो सकता है। अगर हम इसको यहाँ पर प्रीलिम्स ज्यादा करें, जैसे मान लीजिए अगर हम ये कोशिश करेंगे डेली आपको 10 क्वेश्चन यहाँ प्रीलिम्स के करवा दें, तो 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स के करा तो देंगे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है मेंस के पर्पस से, या जो हम लोग एक द हिंदू का समरी समझने की कोशिश करते हैं, या RSTV का या PIB का कोई ऐसा टॉपिक लेते हैं जिसको हम कंप्लीट करते हैं, एक या दो टॉपिक, ठीक है, जैसे अभी हमने मतलब खेलो इंडिया लिया कार्यक्रम, तो पूरा हमने इसको कंप्लीट किया। अगर हम इसको प्रीलिम्स भी इसमें घुसेड़ेंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी और फिर ये चीजें छूट जाएंगी। इसलिए द हिंदू वाला क्लास है, इसमें कोशिश यही करेंगे कि चीजें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बेस पूरा क्लास बना रहे, ठीक है। तो आप प्रीलिम्स की तैयारी के लिए अलग ही पूरा प्लान बनाइए और उसको क्वेश्चन आंसर अलग ही करिए, ठीक है। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी कि 10 क्वेश्चन ले लेंगे उसको एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन ये चीजें छूट जाएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है। yes, तो बाकी प्रीलिम्स के लिए है, वहां पे कर सकते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है इंडियन कल्चरल हेरिटेज एंड इनकम सोर्स, इसमें क्या लिखा सकता है, लिखा जा सकता है, बताए सौरभ, बोलो सौरभ मालतीकर, अर्चना नाज को बताए क्या हो सकता है इसका क्वेश्चन का आंसर। ये क्यों मैंने क्वेश्चन लिया सब समझ पा रहे होंगे, है ना, क्यों लिया है हमने क्वेश्चन ये, दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन ये है भारतीय सांस्कृतिक धरोहर, क्वेश्चन लिखिए हिंदी में, भारतीय सांस्कृतिक धरोहर और इनकम के और आय के स्रोत दोनों में क्या संबंध है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको हर कोई कनेक्ट भी नहीं कर पाएगा, एक लेवल से ऊपर जाने की बाद ही कनेक्ट हो पाएगा, है ना। इंडियन कल्चरल हेरिटेज एंड इनकम सोर्स, सर टूरिज्म है, प्ले है सर, इस तरह से हम इसको जोड़ सकते हैं, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया गेम के द्वारा हम इसको जोड़ सकते हैं सर, सोर्स के तौर पे, और एक टूरिज्म के द्वारा जोड़ सकते हैं इसको, ठीक है सर। स्थानीय अभी जो सामानों को बढ़ावा दिया जा रहा है, कुछ कुछ कुटीर उद्योग वगैरह है लोकल चीजों को, लोकल, तो वो लोकल चीजें सर जी, तो वो भी सर जहाँ जहाँ हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं वहाँ के लोकल प्लेस के लिए, मतलब उनकी बिक्री के लिए काफी फायदा होगा। यस, नाजुका क्या बोल रही थी तुम, तुमने बोला था कुछ, वोकल फॉर लोकल एज अ PM इज एड्रेसिंग दैट वी शुड नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस टू इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, सो वी शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू आवर लोकल प्रोडक्ट, सो वोकल फॉर लोकल। यस, जो साइंस, जो विज्ञान, जो साइंस क्या बोलते हैं, जो इस बार एक विज्ञान महोत्सव हुआ है वो भी इसी को लेकर हुआ है, जो टॉय फेस्टिवल हुआ है या साइंस फेस्टिवल हुआ वो भी हुआ है, और जितने भी खिलौने हैं, टेरिकोटा है, जो टॉयज हैं उनके द्वारा, और आप समझ पा रहे हो कि मैं कहाँ पे ले जा रहा हूँ। जैसे अभी अभी बोला आपने कि जो लोकल फॉर वोकल जो PM ने एड्रेस किया है, ये बात सही है, और इसीलिए पूरा जो हमारा इस बार साइंस फेस्टिवल है वो इसी पे बेस्ड था कि हमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमें उनको कम से कम यूज करना है, हमें जो डोमेस्टिक हमारी हैं, जो कल्चरल हैं, उनको हमें यूज करना है। और जैसे हमारा एक जो टेरिकोटा या जो जो टॉयज वाला कल्चर है वो पूरे वर्ल्ड लेवल फेमस है, इंडिया इंडिया उसमें बहुत पीछे है, और जबकि इंडिया को बहुत जरूरत है इसकी, है ना, इंडिया को बहुत नीड है। इंडिया को नीड इसलिए भी है कि इंडिया में एक तो पॉपुलेशन है, कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, और दूसरा ये भी है कि इंडिया के लोग बना सकते हैं, स्किल है। एक बात ध्यान दीजिए कि जो टॉयज हैं या जो कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए क्लाइमेटिक वेरिएशन और ज्योग्राफिकल वेरिएशन बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए अगर हमें कोई ऐसे ऐसे खिलौने बनाने हैं जो जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट से बनते हैं, जैसे मान लीजिए
जो ऐसे प्लांट से बनते हैं जो ग्लेशियर रीजन में है, तो वो भी हमारे पास है। ऐसे प्लांट से बनते हैं जो बैम्बू है, जैसे बांस है, वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। तो हमारे पास बहुत सारे हैं, है ना, हेरिटेज कल्चरल प्रोडक्ट बहुत सारे, चाहे वो खाने के हों, चाहे वो पहनने के हों, चाहे वो खिलौने हों, कुछ भी, तो इन सबसे इसको जोड़ा जा सकता है। सर अभी जो डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह शुरू की जा रही है, बुद्धिज्म को लेके भी किया जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए आय के स्रोत बनेंगे अदर कंट्री से लोग उसको देखने के लिए। हाँ, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन अभी जो डिजिटल ठीक लाइब्रेरी है आपके, लेकिन आपको आंसर में ज्यादा फोकस ये करना है कि जो हमारे लोकल पीपल है, नॉन स्किल्ड पीपल, लाइक जैसे बास्केट बनाते हैं, है ना, कुछ दरी बनाते हैं, कुछ अचार बनाते हैं, कुछ पापड़ बनाते हैं, वो तो बहुत बड़े लेवल पर बात होगी। पीएम का जो विजन है, तो सरकार का विजन ये है कि जो बिल्कुल ट्राइबल कम्युनिटी में है, जो नॉन स्किल्ड पर्सन है, कुछ तो कर सकता है। ये बात सही है कि जो अगर हम आज सपोज करो कि जैसे आगरा है, आगरा में अगर कहीं राइट्स हो जाते हैं, कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, या दिल्ली में हो जाते हैं, या फिर जहां भी बोधगया में या बनारस में या इलाहाबाद में, जो हमारे, या फिर अजमेर में जो हमारे कल्चरल हब हैं टूरिस्ट के, अगर वहां कम्युनल राइट्स हो जाते हैं तो टूरिज्म कम हो जाएगा। तो ये बात तो सही है कि हमें आगरा को, हमें अजमेर को, हमें इलाहाबाद को, बनारस को, दिल्ली को, और हैदराबाद को, अमरावती को, मुंबई को, इन एरियाज को क्लियर रखना है, स्पेस रखना है। ये भी एक सोर्स है हमारे इनकम का, बट इससे उस कैंडिडेट को इनकम नहीं होगी जो गांव में रहता है, इसके पास लैंड नहीं है, इसके पास कोई मतलब कोई भी फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है, उसको कैसे होगा इनकम होना। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर का मतलब यही है कि जो कैंडिडेट लास्ट में है, बिल्कुल किसी वन में रहता है, है ना, आपको पता ही है कि आपने शायद तो पहले समय में जो खाना हम लोग खाते थे शादियों में, बारात में, तो भी पत्ते पे खाते थे, है ना, कुछ क्या बोलते उसको, पत्तल बोलते हमारे यहाँ, पत्तल, तो पत्तल पानी में पत्ता होता है सर, पुरान का। हाँ हाँ, बस बस, तो उसी पे खाते थे, तो वो तो बनाई जा सकती है। और जो गांव में अभी भी शायद, यहाँ दिल अब तो खैर यहाँ पे नहीं है, जो पानी पूरी वगैरह होती थी, जो आजकल दोने चलते हैं, उनकी जगह पे वो प्रोडक्ट चल सकते हैं, है ना, उनकी जगह पे वो प्रोडक्ट चल सकते हैं, तो ये चीज है। और ऐसा नहीं है, उसमें तो लोग ज्यादा खाना पसंद करेंगे, मुझे लगता है आज की जो नई पीढ़ी है ना, वो ज्यादा और कल्चर को बढ़ावा भी देगा, लोगों की खुशी भी होती है, जाहिर सी बात है। जैसे हम हैं, अगर आप हैं, अगर आपने जैसे खाना बचपन में खाया था, अगर वैसा कभी मिल जाए, तो सारी चीजें उतनी खुशी मिलेगी जितने पहले मिलती थी, है ना, तो वो भी सारी चीजें हैं। और जो लोग बनाएंगे उनको इनकम भी होगी, उनको इनकम भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट अभी, जैसे मान लीजिए हम लोग पानी पूरी खाते हैं या जो प्लास्टिक के उसमें, तो वो डिकम्पोजेबल नहीं है, तो हो सकता है कि वो जो ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा प्रोडक्ट बनाया जाए, वो फॉरेन में भी एक्सपोर्ट हो, क्योंकि ग्रीन अर्थ सबको चाहता है। तो ऐसी चीजें हैं जो इंडिया में भी यूजफुल हो सकती है, इको फ्रेंडली भी है, और उनको इनकम भी होगी। तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है इस पे। और इस बार क्वेश्चन, दो क्वेश्चन 100% आएंगे मेंस में, निबंध में, एक तो ऐसे में, एक तो ये आएगा कि इन जो फार्मर वाला है 100% मिलेगा आपको, दूसरा एक बार देखो, आप लोग सारे लोग मेंस दोगे, मतलब देने वाले हो नेक्स्ट ईयर, या नेक्स्ट ईयर, या फिर नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर, थोड़ा गेस कीजिए इस बार कि वास्तव में जो आप गेस करते हो वो मेंस में आता है कि नहीं आता है। अभी 10-12 दिन बाद पेपर होने वाले हैं, 8 तारीख से होने वाले हैं, तो एक तो गेस ये करना है कि जो फार्मर वाला टॉपिक है, इनकम वाला टॉपिक है, वो बनना चाहिए ऐसे में। दूसरा, लोकल फॉर वोकल वाला जो है, जो ट्रैवल कम्युनिटी है, कल्चर वाला है, ये भी बनना चाहिए। और कोई ऐसे टॉपिक हुए है इंडिया में, पूरी इंडिया में देखिए, विद इन 2 ईयर हाईलाइट टॉपिक जो बनना चाहिए ऐसे में भी या क्वेश्चन में भी,
थोड़ा अभी 31 तारीख दूर है, दूर नहीं, दो दिन तो है ही हमारे बीच में, तो एक बार बैठ के शांति से सोचिए कि जीएस के फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी और हिस्ट्री है, तो क्या क्या करंट में रहा है। और एक बात मैं कंफर्म कर दूं कि यूपीएससी का पेपर या यूपीपीएससी या स्टेट पीएससी का पेपर 95% करंट बेस होता है। करंट बेस का मतलब क्या है कि वो वेन्यू गोपाल से शुरू करेंगे और आपको एजी से लाकर रख देंगे, टॉपिक वहां है, वो चीज वहां पर है। तो थोड़ा फर्स्ट पेपर में सोचिए कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें रही हैं। अब आप लोग सोचो हिस्ट्री से क्या मतलब है, क्यों मतलब नहीं है भाई हिस्ट्री से बहुत वर्ड हिस्ट्री कैसे कनेक्ट होती है नहीं समझ में आता है उसमें। बाकी सर थोड़ा बहुत समझ भी आ जाता है, जैसे सेकंड थर्ड पेपर इधर है जो चीजें ज्यादा चली है, पर वर्ड ज्योग्राफी और वर्ड हिस्ट्री ये कैसे कनेक्ट होते हैं उसके क्वेश्चन समझ ही नहीं आते। देखो वो समझ में तब आएंगे जैसे आप जैसे उनके एक्टिविटी को समझोगी, एक्टिविटी है कैसी। सपोज कीजिए कि वर्ड हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो अपने यहाँ इंडिया में जो एक दो तीन चीजें हावी होती हैं, या तो कम्युनिस्ट जो साउथ इंडिया वाली पार्टी है जैसे हम बात करते हैं वो क्या नाम है उसका, कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी से है, और दूसरा बीजेपी है, तीसरा कांग्रेस है, और चौथे लोग और हैं समाजवादी। तो इसमें चीजों को समझना है कि जो बिहार में हुआ है, बिहार या यूपी में जो एक दो साल में अंदर में जो कोलिशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से भी समाजवाद से बनेगा, है ना, समाजवाद से बनेगा। और ये चीजें थोड़ा बोलने में अजीब तो लगती है। एक बार हिटलर ने अपनी पूरी लाइब्रेरी जला दी थी, शायद आपको पढ़ा हुआ हिस्ट्री में, हिटलर ने पूरी लाइब्रेरी जलाई थी अपनी, है ना। तो हिटलर ने जैसे, अब थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना, तो हम ये नहीं कहते हिटलर से आपको कनेक्ट करना है, जोड़ना है, लेकिन कुछ काम आपको ऐसे देखेंगे जो जर्मनी में हुए थे वो बीजेपी ने 1985 से लेकर 2005 तक वो सारे काम किए। थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करना उनको, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से वैसे जो भारत में चीजें हो रही हैं वो सब्जेक्ट वहां कनेक्ट करेंगे, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऑस्ट्रेलिया वाला जो हुआ है ना, जो फॉरेस्ट फायर हुआ ऑस्ट्रेलिया में, और भारत का आत्मनिर्भर है, तो ये सारी चीजें इकोनॉमी एक्टिविटी में भी रिलेट करेंगी। और ऐसा कभी नहीं होता है कि अमेरिका में कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा होती है, ऐसा कहीं नहीं होता है। वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्वेश्चन यही पूछता है, जैसे ओशनोग्राफी से पूछ लेगा, कभी क्लाइमेट से पूछ लेगा, तो वहां से कनेक्ट करके देखिए, जरूर आपको मिलेगा। तो चार पेपर हैं, फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री ज्योग्राफी, सेकंड में पॉलिटी इकोनॉमी इस तरह से, और थर्ड में साइंस एंड टेक और डिजास्टर मैनेजमेंट, और फोर्थ पेपर में आपका है इथिक्स। तो इथिक्स को भी जोड़ के देखिए, क्या आप जोड़ पाएंगे हाथरस के एक्सीडेंट से, है ना, क्या आप उसको जोड़ पाएंगे कोरेगांव एक्सीडेंट से, क्या आप जोड़ पाएंगे जो भारत में चार लोगों को फांसी हुई थी निर्भया वाले से इथिक्स में, तो या बहुत सारे और भी एक्टिविटी हुई है पूरे साल में। साल के ऐसे आप 20 इवेंट निकालिए, 20 इवेंट, ठीक है, 20 इवेंट आप निकालिए पूरे साल के, और फिर आप उनको कनेक्ट कीजिए। टॉप निकालिए ना, क्या क्या हमारे देश में हुआ है जो 4-5 दिन न्यूज में रहा है, उसको निकालिए, है ना, ऐसी इवेंट जो 4-5 दिन न्यूज में रही है, मतलब 5-10 दिन तक अगर जो चीज न्यूज में रही है उसको निकालिए, है ना, वो चाहे इंडिया के साथ में हो या फिर इंडिया और वर्ल्ड के साथ में हो, है ना, दोनों को निकालिए कि 20 ऐसे टॉपिक है जो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, जितना आप लोगों ने पढ़ा एक साल के अंदर उसको थोड़ा सा गैस करके देखिए आपका कितना एग्जाम में फंसता है, कितना आप सही सोच पाते हैं, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है,
तो क्या वो आपकी अप्रोच सही होगी या गलत होगी। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि स्टेट पीएससी, चाहे वो बीपीएससी हो या आरपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या एमपीपीएससी हो या कोई और स्टेट हो, वो लोग सिर्फ यूपीएससी का कॉपी करते हैं। दे हैव नो टाइम, दे हैव नो क्वालिटी, है ना, दे हैव नो कॉन्फिडेंस, कोई कॉपी नहीं होती सर। वो सिर्फ और सिर्फ यही कर पाते हैं। आप देखिए बीपीएससी का पेपर आउट हो गया है, क्यों गुड्डू आउट हुए, पेपर गुड्डू गायब हुए, पेपर शायद आउट हुए उसका, ठीक है बीपीएससी का। तो हाँ प्रीलिम्स में एक बात मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स में हो सकता है लोग अपनी अपनी करामात कर सकते हैं, जैसे एमपी ने किए है या यूपी करता है या आरपीएससी करता है, लेकिन यार ये मेंस के लिए कहाँ से लेकर आएंगे? आपको लगता है कि यूपी गवर्नमेंट में या बीपीएससी में या एमपीपीएससी एमपी में या राजस्थान में या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को ले लो कि वो क्वालिटी है जो सोच पाए उस लेवल का? और कंपटीशन उन्हीं उन लोगों में ही होता है। आप देख लीजिए यूपीपीसीएस को कौन सेलेक्ट हुआ है, लोग बिहार के सेलेक्ट हुए, हरियाणा के सेलेक्ट हुए, दिल्ली सेलेक्ट हुए, एमपी सेलेक्ट हुए टॉप लेवल पर। तो वो फाइटिंग जो हुई है वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स में हुई है, ना कि उन लोगों में हुई है जो 69,000 में भी फॉर्म भरे हुए हैं, जो जो अभी एक और आया है पता नहीं कौन सा आर, ठीक है जीआईसी के फॉर्म वो भी भरे हुए हैं। कभी सेलेक्ट पीसीएस में पीसीएस थिंकिंग वाले नहीं होते हैं, ये बात समझ लीजिए आप। इसका सामने रिजल्ट है यूपी पीसीएस टॉप फाइव आए हैं, और टॉप फाइव अगर इस आउट ऑफ स्टेट है, देर इज नो एनी यूज ऑफ रिजर्वेशन, दे आर ऑल जनरल कैटेगरी रिफर, वो सभी जनरल कैटेगरी रिफर करते हैं, कोई कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है, ना एस टी ना एस टी ना ओबीसी ना जनरल, सब जनरल में है वो और सारे बाहर में है। तो फाइटिंग सिर्फ क्वालिटी में होती है, स्टेट में नहीं, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो जो लोग क्योंकि जो पीसीएस लेवल की सोचते हैं या करते हैं वो सब सोचते हैं, वो सोचते हैं हमारे टीचर में भी हो जाएगा, बेसिक में भी, बेसिक तक नहीं छोड़ते हैं वो लोग, यूपी टेट भी देने चले जाते हैं, है ना। तो मतलब ये थोड़ा सा प्रीलिम्स में हो सकता है मारा मारी हो फैक्चुअल की, तो रट लो लूसेंट, क्या दिक्कत है, यूपी देना है बीपीएससी देना है या आरपीएससी या फिर एमपी देना है तो। लेकिन मेंस के फाइनल आपको सेलेक्ट होना है तो आपको उसी लेवल पे आना पड़ेगा, अगर वो लेवल फॉलो नहीं होता तो यूपी पीसीएस में बाहर के लोग टॉप नहीं करते, अगर वो फॉलो नहीं होता तो। क्योंकि जो यूपी में जो लोग हैं सिर्फ यूपी पीसीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको चार लाइन बोलना नहीं आता ठीक से, कोई बात करना चार सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे किसी टॉपिक पे, इसीलिए उनका प्रीलिम्स तो हो जाता है लेकिन मेंस में अटक जाते हैं। ठीक है चलिए हम लोग अभी यहीं पर रोकते हैं इसको, बाकी हम लोग कल करेंगे। और क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा मंडे टू फ्राइडे, और छुट्टी मत करिए न्यू ईयर की, जो चल रहा है वैसे चलने दीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है यस सर।